तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आलू की जो फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल भाव है, आज की जो ताज़ा भाव है, उनकी जो शाम की फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस मंडी में आज तेज आलू बिका है और किस मंडी में नरमी देखने को मिली है। तो सारी जानकारी, सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें किसान साथियों, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए किसान साथियों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी बनी। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले किसान साथियों, आज शुरुआत करते हैं पंजाब से। तो किसान साथियों, पंजाब में जो फिरोजपुर है यहाँ पर 300 रुपये से लेकर 335 रुपये प्रति एक पैकेट के हिसाब से आज जो आलू है देखने को मिला है। अगर अमृतसर की बात करें तो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति एक पैकेट के हिसाब से आलू देखने को मिला है। अगर फरीदकोट की बात करें किसान साथियों तो 275 रुपये से लेकर 340 रुपये प्रति एक पैकेट के हिसाब से आलू देखने को मिला है। किसान साथियों, अगर लुधियाना की बात करें किसान साथियों तो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति एक पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है। अब चलिए किसान साथियों, बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में फरीदाबाद में 400 रुपये से लेकर 425 रुपये पैकेट के हिसाब से आज देखने को मिला है। शाहबाद की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। अगर पीपली की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 630 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है किसान साथियों। अगर बवायन की बात करें किसान साथियों तो 600 रुपये से लेकर 715 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज देखने को मिला है। यहीं पर किसान साथियों, अब चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड की रांची मंडी में किसान साथियों 380 रुपये से लेकर 410 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है। और जमशेदपुर में किसान साथियों 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज देखने को मिला है। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में किसान साथियों भुवनेश्वर की मंडी की बात करते हैं। तो यहाँ पर किसान साथियों, उड़ीसा की भुवनेश्वर मंडी में 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। अब किसान साथियों, बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो यहाँ पर किसान साथियों, जो सफ़ेद आलू है वो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है, और जो लाल आलू है 301 रुपये से लेकर 451 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से देखने को मिला है। किसान साथियों, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की जो फर्रुखाबाद मंडी है यहाँ पर सफ़ेद आलू किसान भाइयों 321 रुपये से लेकर 351 रुपये तक के भाव में, और लाल आलू किसान साथियों 421 रुपये से लेकर 441 रुपये तक के भाव में बिका हुआ है। यहीं पर कुछ खुला आलू बिकता है तो 600 रुपये से लेकर किसान साथियों 780 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से खुले आलू के हिसाब से देखने को मिला है। अगर किसान साथियों बदायूं मंडी की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से। अगर किसान साथियों बनारस मंडी की बात करें तो 701 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से आज भाव देखने को मिला।